अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के करम से सब ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको इजी पौंड केक की रेसिपी शेयर करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ 3 अंडे लिए हैं, 1.5 कप मैदा लिया है, आधा कप चीनी है, आधा कप ऑयल और आधा कप दूध, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 चुटकी नमक। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो 3 अंडे लिए हैं, इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डालेंगे। तमाम लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं, उन्हें हम खट्टा कर लेंगे। आधा कप दूध और इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, इसे एक साइड पे रखेंगे। अब हमने एक बोल लिया है, इसके ऊपर मैंने एक छलनी रख दी है। ये 1.5 कप मैदा है, ग्राम में देखें तो ये 150 ग्राम मैदा है। इसे हम छान लेंगे, छानना ज़रूरी होता है। 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 पिंच नमक, आधा कप चीनी है, 100 ग्राम चीनी। चीनी को हमने पीस लिया है, पहले चीनी ली है और फिर हमने इन सब चीज़ों इसको पीसा है। इस तरीके से हम छानेंगे, इससे एक एयर बनती है जिससे कि हमारा जो केक है बहुत ही फ्लफी बनता है। इन चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और जो ये लिक्विड हमारा अंडों का मिक्सचर था, इसमें हमने वनीला एसेंस डालना है। 1/2 टीस्पून हम वनीला एसेंस डालेंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए इस बैटर में मिक्स करेंगे। ये मैं विदाउट आप लोगों को बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अवन बनाना बता रही हूँ और बहुत ही आराम से ये बन जाता है, बहुत ही इजीली बनता है। कढ़ाई मैंने एक साइड पे गरम होने के लिए रखी हुई है। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, बेक करते हैं, तो अवन हो तो अवन को भी हम प्रीहीट करते हैं और अगर हम किसी बर्तन में बना रहे हों तो उसे भी हम पहले से प्रीहीट करते हैं। ये मैंने कढ़ाई में आप लोगों को बनाना बता रही हूँ और अगर आप लोगों ने अवन में बनाना है तो 180 पे इसको 30 से 35 मिनट लगेंगे और विदाउट अवन हमें इसे लगेगा तकरीबन 45 से 50 मिनट। और लम्स नहीं होने चाहिए इसमें, ये देखें इस तरीके का ये बैटर होना चाहिए। अच्छी तरीके से मिक्सर को हमने मिक्स कर लिया है और जितना भी ये साइड में मैदा था वो भी मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी देखें बिल्कुल रिबन जैसी होनी चाहिए। अब ये हम बर्तन में डालेंगे। ये मैंने पौंड केक के लिए बर्तन लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैंने क्लीन करके ऑयल लगाकर और मैंने बटर पेपर लगा दिया था। इस तरीके से हम इसमें सारा बैटर अपना डाल देंगे और इसको इस तरीके से हम टैप करेंगे ताकि कोई भी एयर हो इसमें से निकल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मैंने कढ़ाई में एक रैक रखा हुआ, इसके अंदर हम रख देंगे और इसे ढक्कन ढककर और इसके ऊपर एक मैं वजन रखूंगी तरह से ताकि इसकी एयर बाहर ना निकले और ये मैं 45 से 50 मिनट के बाद इसे देखूंगी और चेक करूंगी। दरमियानी आंच पर हमने इसे पकाना, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें केक हमारा बहुत ही अच्छा बेक हुआ है, इसको हम निकाल लेंगे। ध्यान से हमने निकालना है। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा पौंड केक तैयार हो गया है, इसे हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। केक हमारा ठंडा हो गया है, साइडों से इस तरीके से हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम छुरी की मदद से इसके साइड छुड़वा देंगे ताकि केक हमारा आसानी से निकल जाए। और इस तरीके से हम एक डिश लेंगे, ये देखिए इसका जो हमने बटर पेपर लगाया है वो रिमूव करेंगे। तरीके से देखें बटर पेपर बहुत ही इजीली रिमूव हो जाता है और केक को हम इस तरीके से सीधा करें। सिंपल एंड इजी पौंड केक हमारा बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ये देखें केक अंदर से दिखाती हूँ मैं आपको कितना फ्लफी बना है हमारा। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। मज़ेदार सा सिंपल और इजी पौंड केक हमारा तैयार है और इसको ये देखें इतना ज़बरदस्त स्पंजी हमारा बना है।
इस तरीके से आप लोग भी बनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपनी बहनों के साथ, बेटियों के साथ और दोस्तों के साथ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।